में वॉर्म गुड इवनिंग टू ऑल द लर्नर। सभी साथियों का बहुत ही जबरदस्त जोरदार तरीके से स्वागत है आज की इस क्लास में। जी, मैं सौरभ उप्रेती टीम के जे आप लोगों का एक बहुत जोरदार स्वागत और हमारे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए बैच का ओरिएंटेशन कह सकते हैं हम, जो कि हमारा है पॉली इंग्लिश। पॉली लेक्चरर का जो जनरल इंग्लिश का कॉमन पेपर है, जिसमें हमारे इंग्लिश ही नहीं उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ेंगे, जुड़ने वाले हैं जहाँ तक मैंने सुना है। तो सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत एक तरीके से इनवाइट करता हूँ इस को लर्निंग की जर्नी में, जिसमें कि हम सब लोग एक दूसरे से सीखने वाले हैं। और अगले आई थिंक जब तक ये चलेगा कोर्स, तब तक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये रहने वाली है कि हम लोग इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो कि कई बार फीस का एक फैक्टर रहता है, उसको बाईपास करने वाले हैं इस बार। बाईपास से मेरा मतलब है कि उसको मैंने बहुत ही नॉमिनल अपनी हम लोग ने टीम से बात करके इसको रख दिया है। तो ग्रामर के इस कोर्स में अब हमारे सभी साथियों का स्वागत है। बीच में जियो की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जियो का जो है उनके लड़के का, उनके जो हमारे रिलायंस वाले जो ओनर हैं, उनके लड़के की शादी हुई तो उन्होंने जियो की कॉस्ट बढ़ा दी। बट यहाँ तो कोई ऐसी शादी वगैरह नहीं है, बट हमने जो है अपनी कॉस्ट घटा दी है, जस्ट फॉर द सिंपल रीजन कि पिछले बैचेस में जब हमने एलटी के बैचेस पढ़ाए थे तो एक बहुत ही हाई प्रेशर बैच था और कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी थी। तो इसीलिए मैंने इस बैच में फीस घटा दी है और ज़्यादा नॉमिनल फीस कर दी है। और इसीलिए तो रिलायंस में जो भी हो रहा हो हमारे यहाँ, ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ा फैसला था, बहुत काफ़ी लंबे से, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से जो है इस चीज़ पर चिंतन मनन कर रहा था। हमारी टीम रिसर्च कर रही थी और इवेंचुअली फिर ये डिसीजन लिया हम लोगों ने कि हम इस बैच को बहुत ही सरप्राइजिंग रेट्स में ओपन करेंगे। वो रेट्स क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा शायद एक दो दिनों के बाद, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के सामने मुद्दे की बात पर आता हूँ, जो कि हमारा जी काफ़ी लोगों ने कराया ऐसा योगेंद्र भाई। तो मुद्दे की बात पर आता हूँ पहले। तो मुद्दे की बात है, हमारा जो ये सामने से सिलेबस है, ये एक ओरिएंटेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। साथियों, दिल की बात कहने की कोशिश है कम शब्दों में, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मेरे साथी टेक्नोक्रेट्स होंगे तो उनको संबोधित किया है मैंने इसमें। तो डियर को लर्नर्स, इट्स फैंटास्टिक टू गेट अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी विद ऑल टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। दिस इज अ बैच विद द स्लोगन हाई क्वालिटी नॉमिनल फीस, ठीक है, ये स्लोगन हमने इसमें रखा है। कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटी में कहीं पर पहले भी नहीं करते थे और अपना ही बेहतर वर्जन बनने की कोशिश इस बार भी रहेगी। बिकॉज एनीवन एंड एवरीवन शुड अफोर्ड हाई क्वालिटी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन इन इंडिया। आई एम ऑल्सो पर्सनली इंटरेस्टेड टू रेज द बार फॉर माई सेल्फ बाई डेडिकेटिंग लाइक नेवर बिफोर इन क्रिएटिंग ऑल न्यू कम्प्लीटली हाई क्वालिटी डेडिकेटेड बैच फॉर दिस कोर्स, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस आई हैव क्रिएटेड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। तो ये एक बात है, सभी लोग माइक भी बंद कर देंगे धीरे धीरे। हमें अपने आप को ट्रेनिंग चाहिए होगी कि जब क्लास चल रही हो तो माइक हमारा कैसे बंद रहे, ये भी ट्रेनिंग चाहिए होगी। इस बैच में बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं साथियों, मैं भी ये सीखने वाला हूँ कि जो है धैर्य, पेशेंस, काफ़ी सारी चीज़ों का मेरा भी एक होगा और आप सब लोग भी सीखेंगे। हम सब लोग एक दूसरे से, आप लोगों को भी कई बार मेरे से धैर्य रखना पड़ेगा। तो एक ऐसी एक ये जुगलबंदी होगी जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसमें क्या बोला, आई हैव केप्ट इट एट हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफ 45 मिनट्स का एक शॉर्ट सेशन किया करेंगे हम हर दिन 5:15 से 6 बजे तक, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल अदर कंटेंट मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू कम एंड शेक हैंड्स ऑन दिस एक्साइटिंग को लर्निंग एडवेंचर विद ऑल माई हार्ट सौरभ, ठीक है। तो एक छोटा सा संबोधन साथियों आप लोगों के नाम सभी, इसमें जो है तीन बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। तीन बड़ी बातें क्या है कि एक तो जो जनरल इंग्लिश वाले जो नॉन इंग्लिश जिनका है वो सब भी पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा उत्तराखंड लेक्चरर वालों के लिए भी बहुत अच्छा सा एक मौका रहेगा ग्रामर को अपने सीखने का, और ऑफ कोर्स जो इन जनरल ग्रामर सीखना चाहते हैं उनके लिए तो एक अच्छा मौका है ये, ठीक है। कई बार क्रिटिसिज्म जैसा सुनने को मिलता है कि सर डेडिकेटेड बैच इसमें रहेगा, मिक्सअप तो नहीं होगा, तो मैं आपको ये वर्ड मैंने लिख दिया कि ये मेनली आपका पॉली लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। बट देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब नॉलेज हमें मिल रही है और उस रिलेटेड नॉलेज है
तो क्यों ना हम उस नॉलेज का फायदा उठाएं। बाकी तो आपके ऊपर है, अब तो मैंने इस फैक्टर को भी बिल्कुल ही नलीफाई कर दिया है। ठीक है, चलिए खैर, तो सिलेबस साथियों, सिलेबस पर एक गहन चर्चा है। आइए जल्दी से हम जुगलबंदी करते हैं सिलेबस पे। तो आप देखेंगे कि सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है इन्होंने, टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस के जो ऑफिशियल टर्म्स हैं उन पर बात है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने इसका ये अंदर का कंटेंट अपनी तरफ से रिसर्च करके डाला है आप लोगों के लिए। जैसे इसमें लेटर्स हमें देखने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल वाली जो बातें हैं, ईमेल्स पर हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, मेमोस जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, उसकी राइटिंग क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, उसके अलावा ऑल फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी टेक्निकल प्रपोजल्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस राइटिंग, डिसर्टेशन, टेक्निकल जार्गन्स। जार्गन्स का मतलब क्या होता है, किसी एक विषय की अपनी भाषा, तो जिसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी को हम जार्गन कहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू LSRW, कोई बता रहा है यहाँ पर, सभी को पता होगा, हम लोग ने काफी लोग को हम लोग भी ऐड करे हुए हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग फोर कोर स्किल्स हैं हमारी। ठीक है, और उसका विद की फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में राइटिंग स्किल्स का ही फोकस होता है, तो W वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इसको इसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे अब इसमें, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कन्वर्जेंस कैसे होता है उस पर देखेंगे हम। इसके अलावा रिवर्स मेथड, मतलब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी देखेंगे हम। एक्सेप्शनल रूल्स लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, केसेस ऑफ लेट, ये कुछ ऐसे मैंने सिलेबस को ये जो है खोल के यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए दिया है। कैसा लग रहा है आपको, फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है? ठीक है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैंने शॉर्ट में थोड़ा समराइज करने की कोशिश करी है, स्पेशली जो नए बच्चे भी जुड़े हैं वो भी अपने व्यूज देते जाएंगे। ठीक है, एकदम बेबाकी से बात रखनी है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वॉइस में अगर हम बात करें तो वॉइस में हम एक्टिव पैसिव, हमें इसका मतलब है, लेकिन बेसिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बात हो गई। एट टेंसेस, अब हम वॉइस में ये पढ़ते हैं कि टोटल वैसे 12 टेंसेस होते हैं, बट अगर हम वॉइस की बात करें तो वॉइस में आप देखेंगे कि एट टेंसेस एंड देयर कन्वर्जेंस, आठ टेंसेस होते हैं और उनके कन्वर्जेंस को हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मिसेलेनियस केसेस, वॉइस में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मिसेलेनियस होते हैं, उनको भी हम देखेंगे विद की एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमें पता है वही ऊपर वाली बात है, असर्टिव, इंपेरेटिव, ये सारे सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो उन सेंटेंसेस के डिफरेंट केसेस को हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस एंड क्वेश्चन टाइप, ये वाली यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सारे बच्चे नोट करना कि पॉली के लेक्चरर के जनरल के पेपर में जो जो भी है कॉमन इंग्लिश का जो पेपर है हमारा, पॉली जनरल इंग्लिश, सॉरी जनरल इंग्लिश का जो कॉमन पेपर है, उसमें क्या क्या नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है सिलेबस में। ठीक है, तो अब हमें ये है कि आर्टिकल्स हैं, ठीक बात है, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडवर्ब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंजंक्शंस, कनेक्टर्स जिनको हम कहते हैं वो भी हैं, और एक इंटरजेक्शन भी नहीं है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखें टोटल हमारे एट होते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक आप एक अटेंशन देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उसके अलावा क्वेश्चन टैग्स हैं, क्वेश्चन टैग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स बेसिकली आपकी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इट विल इंक्लूड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीस POS, POS बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंक्लूडिंग अ थरो, थरो मींस कंप्लीट लुक एट देयर टाइप्स। भाई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या फंक्शंस बनते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स में एक तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, उसके अलावा और क्या होगा एडजेक्टिव्स में, अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स के जो हम कहते हैं ना कि जो है डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव है फॉर पॉजिटिव आपका, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके अलावा हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की डिग्रीज के अलावा उनका जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं ना, पॉजिटिव
पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू, तो हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखते हैं उसके, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स बहुत बड़ा टॉपिक है, आप देख रहे हो फंक्शंस, उनके फंक्शन सेंटेंस में क्या है, एंड मल्टीपल क्वेश्चंस आज इंक्लूडिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? सिंथेसिस, सिंथेसिस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंसेस को हमें पता ही है, जिसमें एक क्लॉज होता है कंपाउंड, इसमें कि हम देखते हैं कि कंपाउंड का मतलब ही जोड़ है जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एंड देन कॉम्प्लेक्स, एक क्लॉज बड़ा एक क्लॉज छोटा, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो दिस टॉपिक इज, मैंने इस पे लिखा है कि इट इज द डिफिकल्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स। यूनिट 5 को आप वेरी डिफिकल्ट टॉपिक में से रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो है कंप्लीट नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये आपने देखा, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सॉलिड कमांड ओवर बेसिक्स बिफोर स्टडीइंग दिस यूनिट, ठीक है। ये यूनिट्स का जो सीक्वेंस है, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में पढ़े, पहले हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अरे बात समझ, देन करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, टेंसेस के करेक्ट यूज को अगर आप देखें तो इट इज रफली द बैकबोन ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। वी नीड टू बी स्मार्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ इट, देम हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ देम रादर देन क्रैमिंग देम थियोरेटिकली, ठीक है। मतलब कि अगर हम उनको बिल्कुल रट्टा मार के याद करें, वैसे नहीं है टेंसेस। आपके सिलेबस में क्या लिखा है, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, खाली टेंसेस नहीं लिखा है, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। तो उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने इसमें लिखा है कि आपको इसकी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड, जिसे मैं कह सकता हूँ अगेन एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आपकी इसमें पूछी जाएगी, जिसमें टेंसेस के एक्सेप्शनल केसेस, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, टेंसेस में क्या है, एक्सेप्शंस आर मोर देन द रूल्स। रूल्स तो एक बार पढ़ोगे, बट उसके जो एक्सेप्शंस हैं वो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद अगर हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या है भाई, एप्लीकेशन ऑफ अ डे टू डे लैंग्वेज इज वाइटल, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प हियर अ लॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। इसके लिए जो ट्रेंडिंग 2-3 साल के क्वेश्चन हैं आप उनको देखेंगे। सिनोनिम एंटोनिम एंड होमोनिम्स में भी सेम एज अबव लिखा है मैंने, ठीक है। यूज ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशंस, इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते गाइस, क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस। Use of correct prepositions में it requires a lot of memory based practice as there are no logical rules here, ठीक है। Prepositions में कोई आपको rules नहीं मिलेंगे, आपको words और phrases के साथ, जैसे किसके साथ to लगेगा, कहाँ पर off लगेगा, कहाँ पर जो है in लगेगा, on लगेगा, for that you need to, you know, memory based practice करनी पड़ती है। More targeted practice, more chances of success। तो tricks भी मैंने syllabus में आपको लिख के दिए हैं कि exactly आपको इस syllabus में किस तरीके की tricks करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये देखिए यूनिट 10 की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देखेंगे, इट इज द वेरी वेरी लॉजिकल पार्ट ऑफ आवर ग्रामर, इट रिक्वायर्स योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन स्किल्स ऑफ एक्टिंग द राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कई बार हम लोग सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते, इसके रूल्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि विद वाला रूल है, एज वेल एज वाले रूल्स हैं, ठीक है, ईदर और वाले रूल है, नीदर नॉर वाले रूल है, तो ऐसे हम बहुत सारे रूल्स देखते हैं। कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले एग्जैक्टली नहीं आता, वो दूर आता है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत एक टारगेटेड प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। बट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, प्रिपरेशन का, ठीक है। और इसके अलावा हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल कॉम्पिटेंट नॉट ओनली रिप्लेसिंग द एरर्स बट फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस टू, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि जो करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस है उसमें हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम एरर को खाली बस रिप्लेस ही ना करें या उसको आइडेंटिफाई ना करें, बल्कि उसको करेक्ट भी करें। तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बात हो गई। उसके अलावा idioms एंड phrases, देखो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में एक बात और है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है तीन चीज़ों, पाँच चीज़ों की एप्लीकेशन है। किसकी है, एक तो टेंसेस की बेस्ड एप्लीकेशन है, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब जो अभी तक के आपने टॉपिक्स पढ़े उनकी एप्लीकेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एप्लीकेशन है, उसके अलावा और किसकी एप्लीकेशन है ये, उसके अलावा नरेशन की एप्लीकेशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, उसके अलावा और क्या है, वॉइस की एप्लीकेशन है, और उसके अलावा POS पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब आपने जितनी भी यूनिट ऊपर तक पढ़ी है अभी, उन सारी यूनिट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका यूनिट नंबर 11 है, ठीक है। फिर idioms एंड phrasal verbs, this section 2 requires to be in tune with the latest trends of PYQs, previous year questions. Remember they follow denotative meanings.
किसी को पता है क्लास में डेनोटेटिव मीनिंग्स? अगर कोई इंग्लिश वाले हैं तो उनको पता होगा शायद डेनोटेटिव मीनिंग्स क्या होते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग, हाँ इसमें ना मैंने थोड़ा इसको डेनोटेटिव की जगह इसको कॉनोटेटिव कर देंगे, डी फॉर डेनोटेटिव बयान को इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा मैं। कॉनोटेटिव मीनिंग्स अपोजिट होता है, डेनोटेटिव तो डायरेक्ट मीनिंग होता है, कॉनोटेटिव इनडायरेक्ट मीनिंग। हाँ इनडायरेक्ट मीनिंग्स को फॉलो करते हैं idioms, इनडायरेक्ट मीनिंग्स कभी भी याद रखना, उनके डायरेक्ट मीनिंग्स आपको बोले नहीं पूछेगा जी। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट मीनिंग उसका अगर आप देखोगे तो, जैसे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना, लेकिन लुक आफ्टर अगर आप फ्रेज देखोगे तो ही इज लुकिंग आफ्टर हिज यंगर सिस्टर, तो मतलब किसी की देखभाल करना, किसी का पालन पोषण करना है ना, तो ये जो है इनके कॉनोटेटिव मीनिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉम्प्रहेंशन को जनरली कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, वो सोचते हैं कि पेपर ही में देंगे, बट मेरे हिसाब से इट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ प्रिपरेशन। इसको मैंने लिखा है कि कीप सॉल्विंग देम इन ब्रेक्स, जैसे ब्रेक्स का मतलब जैसे संडे हो गया या कभी छुट्टी हो जाती है, कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब आप दो तीन दिन से शायद कहीं और हैं या क्लास नहीं ले पा रहे, तो उस समय आप टू गेट अ गुड होल्ड ऑफ ओवर देम, ये पक्का पूछेगा, बहुत स्कोरिंग पैटर्न होगा ये। अगेन फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ, अब यहाँ पर आपको जब कोई भी पैसेज लिखा होता है ना उसमें जो ऑथर का मीनिंग है वो आपने देखा देखना होता है, एंड नॉट योर प्री डिसाइडेड सेंस। आप अगर पहले से कुछ आपके मन में कुछ ओपिनियंस है किसी चीज को लेकर, आपको उसके बेस पर आंसर नहीं देना है, आपको जो ऑथर कह रहा है उसके बेस पर आंसर देना होता है। सो दैट इज कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन एक्चुअली इट मीन्स द इनडेप्थ नॉलेज ना, कंप्लीट नॉलेज, सर्फेशियल नॉलेज की बात नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सिलेबस का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जैसा मैंने डेवलप किया। अब आपको तो पता ही है कि ये जो पेपर है ये कितने मार्क्स का होगा, ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और एज पर द ये मेरे ख्याल से दो घंटे का पेपर है ये, और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और टोटल मेरिट में जुड़ेगा ये, ये तो है इसमें। जी तो क्लियर हो रहा है सब लोगों को? जी 100 मार्क्स का होगा और टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स होंगे इसमें, 2 आवर्स होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आई थिंक 1/4 इसमें नेगेटिव भी है। हाँ बिल्कुल, इसमें हर चीज को आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, और ये पेपर फिर ये आपका अल्टीमेट मेरिट में भी जुड़ेगा। जो नॉन इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री वाले, उन सबके लिए क्या है, हिंदी है इसमें, फिर इंग्लिश है और फिर आपका सब्जेक्ट है, इस तरीके से है ना मामला। तो आपका 100 मार्क्स का आई थिंक हिंदी है, 100 मार्क्स का ये है, और सब्जेक्ट कितने मार्क्स का, आई थिंक 150 मार्क्स का सब्जेक्ट, एक बार देखना तो कितने मार्क्स का। हाँ अच्छा, थ्री हंड्रेड मार्क्स का ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का, ठीक है, टोटल 300 है। ठीक है, तो इन लोगों का टोटल 300 से होगा, जो इंग्लिश वाले हैं उनका टोटल 200 से होगा, ऐसे तो है, तो इस तरीके से जी।